हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति आनंद ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये था दिवाली का नेक्स्ट डे, जो कि हम लोग इस दिन जाते हैं अपने गांव, जो कि हमारा पैतृक गांव है, जहां हमारे अम्मा और चाचा चाची रहते हैं और थोड़ी थोड़ी दूर पर सभी लोग रहते हैं। हमारी जो फैमिली काफ़ी बड़ी है और एक चाचा चाची हैं, वो भी वहीं पर रहते हैं, और जो हमारी दीदी हैं, नंद हैं, वो भी वहीं पर रहती हैं। तो हम सभी लोगों के यहाँ जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो ये हम लोग अभी रास्ते में थे और मम्मी घर पर थी, मम्मी नहीं आई थी क्योंकि नेक्स्ट डे था, गोवर्धन पूजा थी, तो वो गोवर्धन पूजा करके करेंगी, इसलिए तो हम लोग आ गए थे। और ये लड्डू, लड्डू देखिए पूरी रास्ता ऐसे ही खड़ी होके गई थी, सारा कुछ देख रही थी, इधर उधर इधर उधर। तो आप लोग देखते रहिए। Close till I get up, time is barely on our side. तो हम लोग अभी पहुंचने वाले, जो सबसे छोटे चाचा हैं उनके यहाँ हम लोग अभी पहुंच गए। और ये है दादी, ये बहुत ही स्वीट सी दादी हैं, बहुत अच्छी। हमारी जो दादी लोग हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये हमारी सबसे छोटी चाची हैं, सबसे छोटी चाची हैं ये, और ये हैं बड़ी चाची। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हमारी फैमिली है। आप लोग शादी में मिलिएगा। तो ये जो है, ये हमारी नंद है, इन्हीं की शादी है, और इनकी शादी का सारा शॉपिंग, मेहंदी, हल्दी, फंक्शन, सारा कुछ आप लोगों को, सारा ब्लॉग आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग एक भी ब्लॉग मिस मत करिएगा। तो बस ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। दीदी के यहाँ, ये दीदी का घर है। तो दीदी के घर आते आते हम लोगों को रात हो गई थी, और ये जो है, ये दीदी की सास हैं, और दीदी हमारे यहाँ नहा रही थी तो लेट में आई थी। और ये दीदी की लड़की सबसे छोटी, जो कि बहुत ही नौटी है, बहुत ज़्यादा नौटी है, बहुत बोलती है। तो दीदी, मम्मी गई थी ये चाय देने पापा को, और ये हम लोगों ने मम्मी को दिवाली विश किया। मम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है, हम लोग जाते हैं तो बहुत खुश होती है मम्मी, बहुत अच्छा लगता है उनको। और अभी बस ये जो है, ये दीदी की, ये हमारी बड़ी दीदी हैं, दीदी की जेठानी, और बहुत हंसमुख हैं, बहुत ही अच्छी हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत गप्पे मारेंगे हम लोग। तो कुछ थोड़ा थोड़ा सारा कुछ मैं दिखाऊंगी, लेकिन ज़्यादा तो नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि कहीं जाओ और फिर मोबाइल ऐसे लेके करूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो ये हमारे जीजा जी हैं, मैंने थोड़ा सही नहीं कैप्चर कर लिया था अपने ब्लॉग में। तो अब जो दीदी थी वो नहा के आ गई थी, तो दीदी के हम लोग पैच होंगे, फिर इनको विश करेंगे। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Sun rays and on we'll go.
तो अभी हो गई थी सुबह, हम लोग आ गए थे तैयार होके नीचे, और यहाँ पे मम्मी बना रही थी गोवर्धन बाबा, और साथ में बताती भी जा रही थी मम्मी कि हमारे यहाँ सुबह क्यों बनाए जाते हैं। तो मम्मी बता रही थी कि मम्मी के यहाँ कोई बहुत पहले कोई एक्सपायर हो गए थे, तो बोली कि उनको मतलब मिट्टी डालने के पहले ही ये बना दो अंदर, फिर उसके बाद में बाहर बनाए जाते। तो वही मम्मी बता रही थी कि अभी सुबह टाइम में अंदर बनाए जाते हैं और फिर इनको शाम को ऐसे मिटाकर फिर बाहर बनाए जाते हैं। अब बाहर बस सिंगल बनते हैं, और यहाँ पे बहुत सारा मम्मी ने बनाया था। मम्मी ऐसे खोस रही थी, ऐसा कहा जाता है कि इनको सर्दी लगती है इसलिए हम लोग रजाई उड़ाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बस हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने गाँव। अब हम लोग जा रहे हैं अपने गांव में, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर। ये है हमारा घर, जो कि ये हमारा काफ़ी पुराना घर है, और ये इसी घर में हमारे जो सारे बड़े लोग हैं, पापा चाचा सब लोग, सारी दादियाँ सारे चाचा लोग सब लोग यहीं रहते थे। इसी घर में, एक घर में सभी लोग रहते थे, और यहाँ बहुत सारे कमरे हैं, तो काफ़ी बड़ा घर है, तो सभी लोग यहीं रहते थे साथ में मिलजुल कर। और ये हमारी नंद है, उस तरफ चाचा जी बैठे थे, और हमारे चाचा जी की बहुत बड़ी शॉप है जो कि किराने की है। पूरे मतलब हमारे जो गांव में ना सबसे बड़ी शॉप हमारे चाचा की है, और हमारे चाचा की दुकान में दही पनीर सब कुछ मिलता है, जो कि हमारे घर पर ही बनाया जाता है, बाहर से नहीं आता। इसलिए जो हमारे गांव के आसपास के सारे एरिया है ना, तो वो सारे लोग यहीं से पनीर ले जाते हैं, इसलिए पनीर बन रहा था। और ये हमारी चाची जी थी, चाचा चले गए थे हमारे दुकान पे, और इसके बाद ये बोले चलो मैं भी बनाता हूँ। तो ये देखिए हमारे पति देव जी भी बना रहे थे पनीर। इसके बाद में ये बोले कि आज मैं बनाऊंगा पनीर की सब्जी, मटर पनीर की। तो ये मटर पनीर की सब्जी बना रहे थे, और फिर अम्मा तब तक पूजा करके आ चुकी थी। तो ये हमारी अम्मा, जो कि मेरी अम्मा बहुत अच्छी हैं, और हम लोगों से बहुत प्यार करती हैं, और हम लोग जब जाते हैं तो अम्मा बहुत 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 खुश हो जाती हैं। तो इसके बाद में ये बोली कि आज तुम बनाओगी चूल्हे पे रोटी। तो ये अंटी से चूल्हा जलवाए और बोलते आज तुम बनाओगी रोटी। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर वो सही से बन नहीं रही थी, क्योंकि चूल्हा सही से जल नहीं रहा था हमसे, तो अच्छे से बन नहीं रही थी। पर बड़ी मशक्क़त के बाद में चार रोटी मेरे से बन गई थी, और ये चार रोटी बनाने में बहुत बहुत ज़्यादा देर लगी थी। और फिर आंटी बोली कि चलो हम बनाते हैं जल्दी जल्दी से। और फिर इसके बाद में दोपहर में सब लोग फिर आ गए थे, आंटी लोग सब लोग आ गए थे, उसका क्लिप नहीं बन पाया था सब लोग, क्योंकि बिजी हो गए थे, बात और खाना पीना सब कुछ ऐसे होने लगा, तो वो क्लिप नहीं पड़ पाया है। और जो भी है वो मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। इसके बाद ही हम लोग निकल रहे थे घर के लिए, क्योंकि टाइम से पहुँचना था घर। तो अभी हम लोग जा रहे थे घर, तो इसका क्लिप था तो मैंने डाल दिया। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो आप लोगों को, तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।